नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संजय दत्त और सन्नी देओल जी की साल 1981 से लेकर साल 1990 तक की सभी हिट और फ्लॉप फिल्मों के बारे में। इन 10 सालों में किस अभिनेत्री ने सबसे ज्यादा हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं संजय दत्त जी की सभी फिल्मों के बारे में। संजय दत्त की पहली लीड एक्टर फिल्म आई थी साल 1981 में रॉकी। इस फिल्म ने 6 करोड़ की कलेक्शन की थी और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई 1982 में जॉनी आई लव यू। फिल्म ने 1 करोड़ 35 लाख की कलेक्शन की थी और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही संजय दत्त जी की फिल्म आई थी विधाता और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी 16 करोड़ की और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 1983 में इनकी फिल्म आई मैं आवारा हूँ। फिल्म ने कलेक्शन की थी 90 लाख की और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही आई थी बेकरार। इस फिल्म ने लगभग 92 लाख ही कमाई कर पाई थी और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 1984 में इनकी फिल्म आई जमीन आसमान। फिल्म की कलेक्शन हुई थी 1.5 करोड़ की और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई थी मेरा फैसला। फिल्म ने 1 करोड़ की कलेक्शन करके यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1985 में इनकी फिल्म आई दो दिलों की दास्तान। इस फिल्म ने मात्र 60 लाख ही कमाई करी और यह डिजास्टर रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई जान की बाजी और इसने कलेक्शन की थी 3 करोड़ की और दोस्तों यह तो हिट रही। इसके बाद 1986 में संजय दत्त जी की फिल्म आई थी नाम। फिल्म की कलेक्शन हुई 8 करोड़ 8 लाख की और यह सुपर हिट रही। इसी साल ही आई थी मेरा हक। फिल्म ने 2 करोड़ 70 लाख की कमाई करके सेम हिट रही और इसी साल ही आई थी जीवा। फिल्म की कलेक्शन हुई 4 करोड़ 25 लाख और यह हिट रही। इसके बाद 1987 में इनकी फिल्म आई ईमानदार। फिल्म की कलेक्शन हुई थी 1 करोड़ 90 लाख की और यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद आई थी नामो निशान। फिल्म ने 1 करोड़ 28 लाख की कलेक्शन करके फ्लॉप रही। इसके बाद आई इनाम 10,000। फिल्म ने 5 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन की और यह हिट रही। इसके बाद आई थी जीते हैं शान से और दोस्तों इसने कमाई थी 28 करोड़ की और यह सुपर हिट रही। इसके बाद 1988 में संजय दत्त जी की फिल्म आई मर्दों वाली बात। फिल्म ने 3 करोड़ 20 लाख की कमाई करके फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी मोहब्बत के दुश्मन। फिल्म ने कमाई की थी 1 करोड़ 10 लाख की और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई खतरों के खिलाड़ी। फिल्म ने कमाई 6 करोड़ की और यह तो हिट रही। इसके बाद आई कब्जा। इसने 2 करोड़ 85 लाख की कमाई करी और यह सेमी हिट रही। इसके बाद 1989 में इनकी फिल्म आई दो कैदी। फिल्म ने कमाई थी 7 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल ही आई थी इलाका और इसने 6 करोड़ 57 लाख की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर यह भी हिट रही। इसके बाद आई कानून अपना अपना। फिल्म ने 6 करोड़ 80 लाख की कमाई करके यह भी हिट रही। इसके बाद आई थी ताकतवर और इसने 3 करोड़ 80 लाख की कमाई की और यह भी हिट रही। इसके बाद आई थी हम भी इंसान है और इसकी कमाई हुई 8 करोड़ 20 लाख और दोस्तों यह सुपर हिट रही। और इसी साल ही आई थी हथियार और इस फिल्म की कलेक्शन हुई 7 करोड़ 40 लाख और यह सेमी हिट रही। इसके बाद 1990 में इनकी फिल्म आई जहरीले। फिल्म ने 2 करोड़ 87 लाख की कलेक्शन की थी और यह एवरेज रही। इसके बाद आई क्रोध और इसने कलेक्शन की थी 2 करोड़ 75 लाख और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी थानेदार और इसने कमाई थी दोस्तों 6 करोड़ 40 लाख और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसके बाद आई थी तेजा। 2 करोड़ 30 लाख की कलेक्शन की इसने और यह एवरेज रही। इसके बाद आई खतरनाक और इसने कमाई 2 करोड़ 40 लाख और यह भी एवरेज रही। इसके बाद आई थी जीने दो। फिल्म ने 1 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन की थी और यह फ्लॉप रही। तो दोस्तों, यह था इन 10 सालों में संजय दत्त की सभी फिल्मों की लिस्ट। अब हम जानेंगे सन्नी देओल की सभी फिल्मों के बारे में और इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि इन 10 सालों में इन दोनों में से किसका दबदबा रहा। सन्नी देओल की पहली बॉलीवुड फिल्म आई थी साल 1983 में बेताब और इस फिल्म ने
ने 9,60,00,000 की कलेक्शन की थी और सन्नी पाजी की पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 1984 में इनकी दूसरी फिल्म आई सन्नी और इसने मात्र 55,00,000 ही कलेक्शन कर पाई और यह डिजास्टर रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई मंजिल मंजिल, फिल्म ने 1,40,00,000 की कलेक्शन की और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही इनकी फिल्म आई सोहनी महिवाल और इसने 3,20,00,000 की कलेक्शन की और यह हिट रही। इसके बाद 1985 में इनकी फिल्म आई अर्जुन और इसने कलेक्शन की थी 8,05,00,000 की और दोस्तों यह सुपर हिट हुई थी। इसी साल ही आई थी जबरदस्त और फिल्म ने 1,85,00,000 की कलेक्शन करके फ्लॉप रही। इसके बाद 1986 में इनकी फिल्म आई सवेरे वाली गाड़ी, फिल्म ने मात्र 50,00,000 ही कलेक्शन कर पाई थी और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई थी सल्तनत और इसने कलेक्शन की 2,00,00,000 की और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद आई समुंदर और इसने कलेक्शन की मात्र 50,00,000 की ही और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद 1987 में इनकी फिल्म आई डकैत, फिल्म की कलेक्शन हुई थी 4,00,00,000 की और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद 1988 में आई थी पाप की दुनिया, फिल्म की कलेक्शन हुई 9,50,00,000 की और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद आई राम अवतार और इसकी कलेक्शन हुई थी 1,50,000,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई यतीम, फिल्म ने 3,10,00,000 की कलेक्शन करके सेम हिट रही। इसके बाद आई थी इंतिकाम और इसने 2,90,00,000 की कलेक्शन करके एवरेज हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 1989 में वर्दी, फिल्म ने कलेक्शन करी थी 10,20,00,000 और यह हिट हुई थी। इसके बाद आई जोशीले और इसने कलेक्शन करी 3,80,00,000 और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी त्रिदेव, फिल्म की कलेक्शन हुई थी दोस्तों 14,00,00,000 की और यह सुपर हिट रही। इसके बाद आई थी निगाहें और इसने कलेक्शन करी 6,20,00,000 की और यह हिट रही। इसके बाद आई थी चालबाज और दोस्तों इस फिल्म ने कमाई थी 15,00,00,000 की और दोस्तों सन्नी देओल जी की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। और इसी साल ही इनकी फिल्म आई आग का गोला, फिल्म ने 4,10,00,000 की कलेक्शन करके एवरेज हुई थी। इसके बाद 1990 में इनकी फिल्म आई मजबूर, फिल्म की इंडिया से कलेक्शन हुई 1,57,00,000 की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई क्रोध और इसने 2,75,00,000 की कलेक्शन की और यह भी फ्लॉप हुई थी। और इसी साल ही सन्नी जी की फिल्म आई थी घायल और दोस्तों इस फिल्म ने 16,00,000 की कलेक्शन की और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। तो दोस्तों यह थी सन्नी देओल की सभी फिल्मों की लिस्ट। तो आइए जानते हैं कि इन 10 सालों में किसने मारी बाजी। संजय दत्त की टोटल फिल्में थी 32 और सन्नी देओल की थी 23, जिनमें से संजय दत्त की फ्लॉप और डिजास्टर मिला के हुई थी 11 और सन्नी देओल की हुई थी 10 और संजय दत्त की एवरेज और बिलो एवरेज मिला के हुई थी 4 और सन्नी देओल की हुई थी 2। संजय दत्त की हिट और सेमी हिट हुई 13 और सन्नी देओल जी की हुई थी 6। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्में हुई थी 3, सन्नी देओल की सुपरहिट फिल्में रही 2 और संजय दत्त की ब्लॉकबस्टर फिल्में तो एक भी नहीं थी और सन्नी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्में रही 3। संजय दत्त की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही 1, सन्नी देओल की रही 0। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इन 10 सालों में संजय दत्त ने बाजी मारी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।